अत दी गर्मी के बावजूद पंजाब के लोग तड़के तड़के घर चो निकले तो वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी दिग्गज भी वोट पाउण पहुँच रहे हैं। तस्वीर थानू गुरदासपुर दिखावे जिथे सुखविंदर सिंह रंधावा जो उम्मीदवार ने कांग्रेस के गुरदासपुर तो उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। इस बार गुरदासपुर भी अहम हलका बनया होया है, हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि इतने मुकाबला दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी वालों ने शहरी कलसी बटाला तो विधायक ने आम आदमी पार्टी के अमन शेर सिंह शहरी कलसी तो कांग्रेस वालों ने सुखविंदर सिंह रंधावा साबका डिप्टी सीएम ने पंजाब के। इसके अलावा बीजेपी वालों ने दिनेश बब्बू सनी देओल तो हालांकि लोग खफा सन तो इस बार दिनेश बब्बू तो बीजेपी ने दा खेडिया है। तो अकाली दल जो बीजेपी नालों वखरा होकर चोन लड़ रहा है, वैसे गुरदासपुर तो बीजेपी चोन लड़ती सी तो इस बार अकाली दल वालों इतने चोन लड़ रहे हैं। दलजीत सिंह चीमा अकाली दल के सीनियर लीडर ने तो मुकाबला इतने दिलचस्प होया। जेकर वोटरों की गल करिए तो इतने कुल वोटर ने 16,03,628 इन्हों पुरश वोटर ने 8,48,196 महिला वोटर ने 7,55,396 तो 36 ट्रांसजेंडर ने। शाम जे 6 बजे तक इतने वोटिंग होनी है। 26 कुल उम्मीदवार ने जो अहम उम्मीदवार ने उन्होंने रंधावा बब्बू कलसी तो चीमा। जेकर पिछलियां 3 चोणों की गल करिए प्रताप सिंह बाजवा इतों जितते सन 2009 विनोद खन्ना 2014 जितते तो फिर सनी देओल 2009 जितते। हालांकि 2017 जो बीजेपी सांसद विनोद खन्ना की मौत हो गई सी तो फिर इतने जिमनी चोण हुई सी उदों कांग्रेस के सुनील जाखड़ जितते सन। तो इस बार सुनील जाखड़ जो बीजेपी के पंजाब प्रधान ने तो गुरदासपुर अहम सीट होएगी क्योंकि वैसे बीजेपी का इतने दबदबा मनिया जाता सी पर क्योंकि इस बार मुकाबला दिलचस्प है। वोटा पहुँच पाउण जिहड़े ने दिग्गज भी पहुँच रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पहला गुरुद्वारे गए मत्था टेकया परिवार के नाल ते फिर उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया।